मेरे मित्रों, अगर आप भी हमारी तरह एक सच्चे हिंदू है तो ये पौराणिक कथा के कुछ अमेजिंग बातें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। 200 नंबर एक रामचरितमानस के अनुसार माता सीता कभी लंका गए ही नहीं थे, और जब रावण उनका अपहरण किया था तब केवल उनकी छाया उनके साथ लंका गई थी। इसलिए अंत में उन्हें अग्नि परीक्षा करनी पड़ी ताकि वे अपनी छाया को वापस पा सके, ना कि भगवान श्री राम को उन पर संदेह था। मेरे मित्रों, मैं पक्का कह सकता हूँ ज्यादातर आप में से बहुत ही कम लोग इस बात को जानते होंगे। नंबर दो, मेरे मित्रों, क्या आपने कभी भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम को टीवी में या फोटोज में कभी मूछों में या दाढ़ी में देखे हो? मेरे मित्रों, कभी नहीं। वो इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम की 16 वर्ष उम्र होने के बाद उनका उम्र बढ़ना बंद हो गई थी। नंबर तीन, मेरे मित्रों, माता पार्वती किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, फिर भी उन्हें जगत जननी कहा जाता है, मतलब दुनिया की माँ। नंबर चार, मेरे मित्रों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी का जीवन ब्रह्मा के सिर्फ एक दिन के बराबर होती है। नंबर पांच, मेरे मित्रों, कहा जाता है माता सीता के पिता जनक जब भी भगवान के बारे में सोचते हैं तो उन्हें अपने शरीर का एहसास होना ही बंद हो जाती थी। नंबर छह, मेरे मित्रों, हर समय जब भगवान श्री राम जमीन पर सोते थे तब उनके छोटे भाई भरत जमीन के नीचे गड्ढे में सोया करते थे। मित्रों, क्योंकि भरत किसी भी तरह से श्री राम के बराबर या उनसे ऊपर नहीं हो सकते थे। नंबर सात, मेरे मित्रों, रावण का पुत्र मेघनाथ को ये वरदान था कि उसे वही व्यक्ति मार सकता है जो 12 सालों तक ना सोया हो। मेरे मित्रों, जिसके कारण स्वयं भगवान श्री राम भी मेघनाथ को मारने में असमर्थ थे, लेकिन लक्ष्मण ने 12 सालों तक ना सोए अपनी निद्रा अपनी पत्नी उर्मिला को देकर मेघनाथ का वध किया था। मेरे मित्रों, आशा करता हूँ कि इस छोटी सी जानकारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मेरे मित्रों, आप सबसे विनती है कि कमेंट में जय श्री राम जय श्री कृष्ण लिखकर इस गरीब को भी आपका प्यार जरूर दिखा दीजिएगा।